जानते हैं और हमने काम किया है। और जब कोई जानने वाला तरक्की करता है तो बहुत खुशी होती है। और राज जी पहले से ही चाहते थे कि उनका स्टूडियो हो, और शमीम जी राज जी ने जब स्टूडियो के बारे में मुझे बताया, सीरियसली मुझे बड़ी खुशी हुई। और साथ ही साथ उन्होंने एक नई बात बताई, मुझे मेरे लिए भी सरप्राइज़ था कि हम फिल्म शुरू कर रहे हैं और फिल्म का टाइटल ये है, और पोस्टर भेजा तो काफ़ी प्राउड फील हुआ, क्योंकि मैंने सर को या राज सेन जी को या शमीम जी को बहुत 10-12 साल से आई थिंक हम लोग जानते हैं और काफ़ी मेहनत करते देखा है, और आज उन्होंने कुछ अचीव किया लाइफ में, इसके लिए मुझे काफ़ी खुशी है। पोस्टर में जैसे IPS डूबे जी, पोस्टर में IPS डूबे, इसमें आपका किस तरह का किरदार है? अरे किरदार IPS डूबे हूँ मैं, और क्या, पुलिस वाली हूँ, मार धाड़ करूँगी मैं, और थोड़ा बहुत रोमांस भी होगा। हाँ, और आई थिंक रोमांस थोड़ा अलग होगा इस बार, क्योंकि हीरो सिर्फ रोमांटिक मोड में नज़र नहीं आएगा इसमें, वो भी कुछ और करने वाला है। एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एक्चुअली, क्योंकि हमेशा से मैंने एक्शन की फिल्में की हैं और बहुत टाइम से थोड़ा ब्रेक लगा रखा था, बट शमीम जी ने कहा कि नहीं अभी फिर एक बार एक्शन करते हैं, और आई एम एक्साइटेड। फिल्म की शूटिंग की बात की जाए तो कहाँ होगी? अभी सब एकदम सीक्रेट है, अभी कुछ भी पता नहीं है, और जैसे जैसे अपडेट आएंगी तो डेफिनेटली अपडेट्स मिलेंगे आप लोगों को। आपका कुछ कहना चाहेंगे? सब कुछ तो आपने पूछ ही लिया फिल्म की स्टोरी पूछ ही लिया, एक्शन पूछ ही लिया, रोमांस पूछ ही लिया, काफ़ी अलग कुछ मिलेगा इस फिल्म में, और नो डाउट मैं तुमको दबंग बोलता ही हूँ। और हम दोनों पहली बार आ रहे हैं तो ये वाकई में डिफरेंट होने वाला है। काफ़ी दिन से जानते हैं पर एज अ पेयर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, और भोजपुरी में कोई हीरोइन अगर हीरो है तो वो सिर्फ एक यही है, और मैं इनको पर्सनली बोलता हूँ। तो वही एक्शन के साथ साथ इनका जो रोमांस मिलेगा काफ़ी अलग मिलेगा इस बार, और काफ़ी मज़ा आएगा ऑडियंस को हमारे। और कुछ? हाँ, स्टूडियो के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं राज सेन सर को और शमीम सर को, काफ़ी खास है हमारे लिए, काफ़ी अजीज मित्र हैं मेरे और काफ़ी पुरानी पहचान है। मैंने दोनों लोगों के साथ एक फिल्म पहले भी की है, दिल दिया है जान भी देंगे, और काफ़ी अच्छी म्यूज़िक थी उसकी, आदित्य मैम ने और उदित सर ने गाने गाए थे, और काफ़ी अच्छी फिल्म गई भी, वो गोरखपुर में हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से रिलीज़ किया और मज़ा आया। ये दूसरी फिल्म मैं सर के साथ करने जा रहा हूँ, और प्राउड फील होता है कि अगर कोई मेकर बार बार रिपीट करता है तो सो मज़ा आएगा मुझे IPS डूबे करने में। IPS डूबे डायरेक्टर समीर काफ़ी टाइम बाद आपके साथ पिक्चर कर रहे हैं? काफ़ी टाइम के बाद नहीं कर रहे, जब हमारी लास्ट फिल्म जो रिलीज़ हुई थी 2019 में ही हुई थी, 2019 हुई थी, और 20 आपको लॉकडाउन में ही चला गया, फिर 21 में हम लोग फिल्म कर रहे हैं। तो अगर एक डायरेक्टर साल में कंटिन्यू रिपीट कर रहे हैं फिल्म तो बहुत दिन बाद नहीं बोलूँगा मैं। 18 में हमने शूट किया था, 2018 में दिल दिया है जान भी देंगे, 19 में रिलीज़ किया, 20 में इंडस्ट्री में सबका वही हाल है, और 21 में फिर वी आर विथ न्यू मूवी। तो सर को ढेर सारी शुभकामनाएं। आ चुकी है, पहले बार करने जा रही हैं, उनके साथ का दोस्ती बहुत अच्छी है, कुछ स्पेशल गाना चाहेंगे इस बार? आदित्य के साथ मैंने एक सॉन्ग किया था जो हाल ही में रिलीज़ हुआ है, और लोगों ने पसंद किया उस गाने को, और बहुत टाइम से प्लान चल रहा था कि हम लोग फिल्म करेंगे साथ में, बट हो नहीं पा रहा था अनफॉर्चुनेटली। शमीम जी ने ये मौका दिया और मैं एक्साइटेड हूँ, जब अच्छा एक्टर सामने होता है तो हमारा भी एक नया टैलेंट निकल के बाहर आता है। सो मोहन का नाम है दुबे, टाइटल दुबे लगा हुआ है, और रानी तरफ से ऊपर दुबे चला गया इस बार। अरे दुबे हो या दुबई हो, तो दुबे तो है ही ना, दुबे दुबई। ऐसे भी रानी जी के साथ जितने हीरो आए हीरोइन ही बन के आए। अरे नहीं नहीं, लेकिन इसमें हीरो दुबे जी हो जाएगा फिल्म में। नमस्कार नमस्कार प्यारा दीपाजी, एंजॉय कर रही हम लोग के आंसर्स एक्चुअली। ज़रूर, मैं कहना चाहूँगी कि कलर वर्ल्ड स्टूडियो आज ओपनिंग होने जा रहा है, उसके लिए मुझे राज सेन जी को बहुत बहुत धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेशंस, शमीम जी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑल द स्टाफ, एवरीबॉडी, प्रोड्यूसर, एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट, अच्छा चले। और हमारे बीच में कलाकार समीर सेन जी भी हैं, उनको बहुत नमस्कार, आप सबको नमस्कार। आपके घर के सामने स्टूडियो बड़ा बिजी रहने वाला स्टूडियो है। हाँ, मुझे बुलाएंगे, मैं आऊँगी, खाना खाया आया गाया चले गए, नाश्ता के चले जाऊँगी, मेरे लिए बहुत आसान होने वाला है सबसे पहले। और ये रानी और आदित्य जी एक्टिंग कर रहे हैं IPS डूबे में, आप दोनों को भी बहुत बहुत मुबारक, थैंक यू। बहुत अच्छे से बनाइए और हिट हो जाए भोजपुरी फिल्म। और बॉलीवुड में आपका क्या कुछ नया कुछ खास आने वाला है? बॉलीवुड में तो मैं कम करती हूँ ना, मेरा तो भोजपुरी में ज़्यादा है, रीजनल में ज़्यादा करती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। और इस फिल्म में दीदी के गाने हैं, उदित जी के गाने हैं और मेरे डायरेक्शन में दीदी और उदित जी रहते हैं। सर के डायरेक्शन में फिक्स हो गए उदित जी, तो नजर नहीं आ रहा है उदित जी। हाँ, आने वाले उदित जी। सर आज शिवरात्रि है ना, अर्धांगिनी आ गई। हाँ, उदित जी कहीं पूजा करने गए होंगे तो फिर आ जाएंगे जरूर जरूर। शुभकामना भेजे उदित जी ने शमीम जी के लिए, राज जी के लिए, रानी के लिए, आदि सबके लिए, मतलब जो भी है यहाँ पे, तो मैं उनके बिहाफ में आई हूँ। तो सबको बहुत बहुत शुभकामना, ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी। सब तो बोल दिए दोनों, अभी बचा गया बचा ना सर। रानी जी के साथ काम करने के बहुत मेरे तमन्ना थे। हम लोग बहुत सालों से कुछ प्रोजेक्ट फाइनल कर रहे थे लेकिन 2009 से हम एक सब्जेक्ट पे काम कर रहे थे, वो मुहूर्त भी हुआ बट वो शुरू नहीं हुई फिल्म। और तब उसके बाद से कई बार ऐसा हुआ कि हम लोग साथ में फिल्म करें लेकिन प्रोड्यूसर ठीक नहीं रहा, कैंसिल किया। हाँ, कोई ना कोई रीजन के वजह से। लेकिन फिर लॉकडाउन में हम लोग ने सोच लिया था जैसे लॉकडाउन खत्म हो जाए और स्टार्ट करें। और ये कॉन्सेप्ट दिमाग में आया तो मुझे लगा ये रानी जी और अपना। और मैं आदित्य के बारे में कहना चाहूँगी कि मैं भूल गई थी एक्चुअली। एक फिल्म थी जिसमें मेरी शादी कराई जा रही थी और हीरो सामने अखाड़े में लड़ाई कर रहा था। तो जब मैंने अपने क्या राइट साइड देखा तो मेरा दूल्हा बैठा हुआ था, वो दूल्हा आदित्य थे। वो बात है 2011 मलियत। और 2 दिन सिर्फ हम दोनों का काम उस सेट पे सिर्फ बैठे रहता था। शॉर्ट में, लॉन्ग शॉर्ट में सिर्फ हम दोनों दिख रहे थे तो बैठने वाला ही काम था। तो मेरी थोड़ी बातचीत हुई थी और तभी नए नए शायद आए थे। सो वो एक जर्नी और अभी मेरे साथ एज अ हीरो। सो इस रियली अप्रिशिएट। 2006 का भागा दूल्हा आज मिल गया। एक्चुअली मेरी जो शुरुआत हुई भोजपुरी में विजय पथ से नहीं, एक फिल्म थी मलयुद्ध, रवि जी और रानी जी की उसमें टॉप पे थे एकदम जोड़ी हिट। उस टाइम मैं उस फिल्म में एज अ जूनियर आर्टिस्ट भी आप बोल सकते हैं, मैं उस फिल्म में था। अब इसने जस्ट मुझे याद दिलाया एक फ्रेम में मैं दिखता हूँ। 2012 की बात है, 11 में मैंने शूट किया था और टचवुड महादेव के आशीर्वाद से इनकी फिल्म में एज ए जूनियर आर्टिस्ट काम करके फिर इनके साथ मैंने एक गाना किया और आज मैं इनकी फिल्म का हीरो हूँ। क्या बात, बहुत मुबारक, बहुत मुबारक। सीरियसली अप्रिशिएट करने वाली, अप्रिशिएटेड, वेरी गुड। बस 2000 आज इसीलिए शुभ मुहूर्त हुआ, महाशिवरात्रि है और हमारी जर्नी काफ़ी साल हो गया, 25 साल हो गया। और स्टूडियो के साथ साथ हमने सोचा चलो हम लोग प्रेजेंटेशन भी कर दें। अगर लाइकली आप अच्छी फिल्म को मनाना चाहते हो, जो आजकल प्रोड्यूसर खुद राइटर हो जाता है, सिंगर हो जाता है, तो आप नहीं कर सकता, एक बाउंड्री में बंद होना पड़ता है। हीरो तक हो जाता है, हीरो तक भी हो जाता है। तो इसीलिए सोचा जो अगर सही फिल्म को भोजपुरी के लिए बनाया जाए तो खुद को उतारना पड़ेगा, गंदगी ने हटाना है तो खुद को उतारना पड़ेगा। तो हमारे पास स्टूडियो भी हो गया, एडिटिंग भी हो गया, पोस्ट प्रोडक्शन, कैमरा, एवरीथिंग। तो हम लोग अपनी मनपसंद फिल्म को बना सकता है। जहाँ तक भोजपुरी एक स्वीट लैंग्वेज है, वहाँ गंदगी में भरा हुआ, इसी गंदगी को अगर हटाना है, 35 करोड़ में 1 करोड़ लोग फिल्म क्यों नहीं देखता है? तो राइटर की कमी है, डायरेक्टर की कमी है, एक्टर की कमी है। उसी के लिए हम लोग शुरुआत कर लिया तो कोई और भी आ जाए और अच्छी फिल्म आए। ये स्टूडियो कहाँ पर खुला है? हाँ जी, ये स्टूडियो कहाँ खुला है बस बताइए। बस इस कुबेर कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, 119। आप इधर आए, ये तो बहुत बड़ी खुशी का दिन आज है और सबसे बड़ी बात कि महाशिवरात्रि है और मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है। मेरी दीदी मेरे साथ है और समीर भाई, मेरे बड़े भाई निहाल भाई हैं, नितिन भाई हैं, निशित भाई हैं। तो आज हमारे हीरो मेरे साथ हैं, रानी जी मेरे साथ हैं और फैमिली मेरी, बड़े जो सबसे बड़े संगीतकार है समीर सेन जी, वो मेरे साथ हैं, मेरे बड़े भाई हैं। तो आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है। वो भी आएंगे आएंगे आशीर्वाद देंगे जरूर आके, है ना, है ना। दीदी आ गई ना, है ना, तो वो भी आ रहे हैं, उन्होंने आशीर्वाद भी भेजा, मैं आऊँगा जरूर। तो बहुत बहुत खुशी है। ये एक्शन फिल्म है और शमीम भाई बड़े भाई हमेशा मेरे साथ काम करते हैं। हाँ हाँ, बहुत टाइम है और अच्छा म्यूजिक करेंगे, है ना। बस मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं राज सेन को, रानी जी को, दीपा जी को, हमारे हीरो आदित्य, हमारे प्रोड्यूसर शमीम भाई, डायरेक्टर साहब, सबको आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और ये जो इन्होंने शुरुआत किया है आज स्टूडियो में, हर चीज़ की फैसिलिटी है, एडिटिंग, डबिंग, म्यूज़िक सब। तो एक नया स्टूडियो बनाया और एक इनकी नई शुरुआत है, तो मेरी ढेर सारी बहुत बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू। आइए आ जाओ। बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए आज, बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए आज। शमीम जी, राज जी और पूरा सेटअप कर रहे हैं। ऐसे तो 30 साल से एक दूसरे को जानते हैं, काम करने का मौका अभी मिला है। भोजपुरी में अच्छी फिल्म लाना हमारा मेन मकसद है, और एंटरटेनमेंट, फैमिली एंटरटेनमेंट जो सब लोग साथ में बैठ के देख सके, एक ऐसा अप्रोच रहेगा हमारा। और एक फिल्म का मुहूर्त भी बहुत बढ़िया है, हीरोइन और हीरो दोनों फेमस है, बहुत भगवान की दुआ से बहुत अच्छी जाएगी पिक्चर। प्रोड्यूसर धीरे धीरे फेमस हो जाएगा, पहली पिक्चर है ना, करेंगे फेमस हो गए। बस पूरा सेटअप कर रहे हैं, थोड़े ही दिन में अनाउंसमेंट करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से अनाउंसमेंट करेंगे। थैंक यू सर। नमस्ते जी, नमस्ते सबको। पहले तो सब लोगों को यहाँ जितने भी आए हैं इस मुहूर्त में मेरी तरफ से शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे तो मुझे तो बोलने तो यार, वही तो बोलने जा रहा हूँ, तू तो बोलने जाएगा। आज मुझे सबसे बड़ी बात यह खुशी है कि इनके साथ मेरा परिवार जुड़ा हुआ है, और राज सेन जी की आज पिक्चर का मुहूर्त हुआ, और ख़ास करके हिंदुस्तान के दो बड़े बेजोड़ महान कलाकार। रानी जी के लिए तो क्या, क्योंकि नाम ही इतना प्यारा है कि इनको देख के आदमी वैसे ही आशिक हो जाता है, तो हम तो आशिक तो नहीं कह सकते मगर दुआएं वालों में से हैं। और बड़ी खुशी हुई इस बात की कि राज सेन जी को आज ये बहुत बड़ा मौका मिला, और इन्होंने जो कंपनी खोली है, मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ दे रहा हूँ सर। और ये तो सभी को मालूम है कि सेन परिवार की चौथी पीढ़ी चल रही है संगीत में, जमाल सेन, शंभू सेन, दिलीप सेन, समीर सेन, सोहेल सेन जी, उसके अलावा और राज सेन, गुणवंत सेन, ललित सेन, कितने सेन बाकी जो बचे आप लोगों को, तो बड़ी खुशी लगी। और आप लोगों को खास देके शिवरात्रि के दिन बहुत अच्छा लगा। और रानी जी, वाकई में आप जो आपका नाम है वैसा ही आपका दबदबा है। और सर आपका शुभ नाम आदित्य, बहुत बड़ा प्यारा नाम है आदित्य, तो हमेशा ही सक्सेस है। एक यश जी के एक है आप हैं, वेरी गुड सर, और बहुत बहुत बधाइयाँ। और पवन जी जरा खड़े होकर खुशी। शिवरात्रि के मौके पर कोई आपके हाँ अभी जो हम लोग गाना है कि रिकॉर्ड करके आए सर, थोड़ा सा चिलमन हटा लीजिए ना, चिलमन। हाँ आप हैं जीएसटी के कमिश्नर साहब हैं, और अभी अभी गाना हमारे गा के आए हैं। हे शिव शंभू दया के सागर, विनती करत भागीरथ देवा। हे शिव शंभू दया के सागर। और एक में हमारा गाना बहुत चला दिलीप सेन, समीर सेन का, ऐसी सुबह ना आए ना ऐसी शाम, जिस दिन जुबा पे मेरी आए ना शिव का नाम। तो हम तो शिव भक्त हैं और आप लोग भी शिव भक्त हैं। आज शिवरात्रि है तो बहुत ही खुशी का दिन है सर। रानी जी, आज आपने किसी के लिए व्रत रखा है? हाँ, मेरे लिए। क्यों इतना मुस्कुरा के क्यों पूछ रहा भाई? नहीं यहाँ पे हमारा बीच में बैठा। अच्छा, नहीं मैंने तो फास्ट नहीं रखा है, मुझसे फास्ट नहीं हो पाता। नहीं हम लोग फास्ट हैं तो फास्ट की जरूरत नहीं, पड़ोसी रखे। किसके हाँ, पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जब से मैंने कोरोना का टीका लगाया लोग मुझे परेशान करने लग गए हैं। आपको भी परेशान करते हैं? हाँ। मुझे बोलते हैं भी कैसे हो, हॉस्पिटल में हो कि बाहर हो, क्या लग रहा है क्या नहीं। तो पहले तो ये कह दूं भैया हम बहुत अच्छे हैं, टीका लगाने के बाद में आप लोगों को भी लगे तो लगा लेना। और रही बात नए प्रोजेक्ट की, तो अभी हम लोग एक दिलीप सेन, समीर सेन वापस बहुत जल्द आप लोगों के सामने आ रहे हैं। और बाकी चीज़ तो समीर जी से पूछिए तो अच्छा लगेगा। समीर जी हो गया समीर, मेरे विषय में बोला था नहीं बोला। हाँ, तो दिलीप सेन समीर सेन की जोड़ी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। गुड्डू धनवा इसके डायरेक्टर हैं, फिल्म का नाम टाइटल है रोमियो। गुड्डू धनवा काफी टाइम के बाद आ रहे हैं सर, क्या कहना चाहेंगे? मतलब एक टाइम में बहुत बड़ा नाम था गुड्डू धनवा, बीच में काफी था नहीं है, बोलो यार बीच में सर काफी। देखिए हम लोग भी थोड़ा रेस्ट करते हैं, ऐसे नहीं हम स्टाइलिश से हम एकदम काम बहुत सोच समझ के करते हैं। यही बात मैं यही कहना चाहूँगा, सुनो जब से वेब सीरीज बनी है साल भर तो सबने, आप हमने नहीं बिठाए, वो तो कुदरत ने बिठा दिया था, तो एक साल तो हम किसी से भी नहीं मिल पाए। रही बात गुड्डू जी को अच्छी स्क्रिप्ट की ज़रूरत थी, हमें सही वक्त की ज़रूरत थी, क्योंकि चाचा भतीजा, क्योंकि अभी पोता मेरा बाला 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 शैतान का साला कर रहा है, लोगों में तो नंबर 1 पे चल रहा है, तो हम लोगों ने भी थोड़ा अपने आप को ब्रेक दिया था। अब वापस हम दोनों यंग बॉय होके आ रहे, चाचा भतीजे दिलीप सेन समीर सेन। क्या है फिल्म का नाम आपने बताया? रोमियो। किस तरह का म्यूजिक है इसके अंदर? दिलीप सेन समीर सेन का म्यूजिक कैसा होता है? कुछ अलग से आपने एक्सपेरिमेंट किया हुआ इसमें? हाँ, समय के अनुसार बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, आपने कुछ बोला? मैंने इसमें चेंज किया, मैंने इस गाने के अंदर इंग्लिश गाना बनाया है, यानी वैसे तो अफलातून के अंदर था ही, अफलातून टाइटल सॉन्ग में, मगर इसमें एक स्पेशल रोमांस के अंदर रानी रोमांस में गाना है। क्या? रोमियो और शादी दी दी दी, ये इंग्लिश है। अरे यार आपका जसलीन के ऊपर गाना आ रहा है, काफी कैची सॉन्ग है राजस्थानी, उसके बारे में कुछ अनवील करना चाहेंगे आप? जी हाँ, टाइटल है उसका टोकन और जसलीन ने उसको गाया भी है, और अब आई थिंक वो गाना पिक्चराइज भी हो चुका है। तो मुझे मतलब पहली मरतबा, मतलब इतने साल के तजुर्बे में हम लोगों को हुआ कि लोकेशन से प्रोड्यूसर का फ़ोन आता है कि यार ये गाना पिक्चराइजेशन के वक्त ही पब्लिक को इतना पसंद आ रहा है तो फिल्म में तो आग लगा देगा। तो मैंने कहा भाई आग नहीं लगाए, अच्छा चले, जैसे हम लोगों का दिलीप सेन समीर सेन का आगे हमारा म्यूजिक चला, लोग हमें आज भी आशीर्वाद और प्यार देते हैं, तो वैसे इन गानों से भी हम क्यों देते रहे। तो टोकन एक बहुत प्यारी फिल्म बन रही है, बहुत जल्द अभी आने वाली है। रानी चौधरी की शादी नहीं हो पा रही है? हाँ, तो हमारे यहाँ 2-3 जो बड़े स्टार हैं उनकी होती नहीं है, एक हमारे वो हैं और एक ये हैं, ये आजकल पैसे जमा करना। तीसरा दो तो बताया आपने, तीसरा है? मैं भी कुंवारा ही हूँ ना सर। की बात हो रही है, शादियों की बहुत चिंता रहती है यार तुम लोगों को, यहाँ कोरोना से लोग कुंवारा है, सलमान खान कुंवारा है, इधर रानी चौधरी कुंवारा है, दोनों को मिला दीजिए ना। नहीं ये क्या, मैं क्या पंडित हूँ? ये काम तुम्हारा है भाई, टेंशन मतलब हो जाएगी जब भी नहीं हो जाएगी। आप अपना नंबर का तो सोचना भी नहीं, क्योंकि तुम तो कौन केस हो। नहीं हम लोग तो फिर भी सोच सकते हैं चाचा भतीजे, क्योंकि दिलीप भाई मेरा बांट रहा है, कौन केस किधर है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। कामना मेरी सबने बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत अच्छा इसे चाहेगा कि बहुत अच्छा होगा। दिलीप सेन समीर सेन मेरे परिवार के लोग हैं। हाँ सब मेरे हैं, परिवार के लोग हैं, ईश्वर इनको हमेशा जो है तरक्की दे, ये हमारा है आशीर्वाद है, हमेशा खुशी। अपने काम को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा आयोजित करें और अपने काम को आगे बढ़ाएं। हमारे साहब से बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत बहुत शुक्रिया। नई फिल्म की मैं जो स्टूडियो की ओपनिंग है सबको बहुत बहुत शुभेच्छा देती हूँ, और यहाँ पे इतना पूरा साल लॉकडाउन रहा और कोविड की दहशत रही, उसमें से निकल के आज नया काम शुरू हो रहा है, उसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.